पहले पार्ट में हमने बताया था सीएससी थ्रू बीसीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब बता रहे हैं कि स्टूडेंट का आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है बीसीसी स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन जैसे ही लिखेंगे इसके बाद पहले वेबसाइट आएगा स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको csacademy.org दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय बनाए थे ये यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड मोबाइल नंबर होता है। इसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम लिखा रहेगा, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, इसके बाद स्टूडेंट का ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड लिखा है। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, यूजर नेम आईडी यहाँ पे दिया गया है, डेट किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे दिया है, स्टार्ट कोर्स यहाँ पे दिया गया है, असाइनमेंट मतलब आपको कोर्स जो इसमें दिया गया है 200 नंबर का क्वेश्चन होता है उसे आंसर आपको देना होता है कम से कम 100 नंबर का। अगर 100 नंबर आप पास जाते हो तो आप पास हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम कोर्स अगर चेक करना चाहते हैं, कोर्स पढ़ना चाहते हैं बीसीसी, तो यहाँ पे लॉन्च कोर्स स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी पे क्लिक कर देंगे। मॉड्यूल नंबर एक पे हम क्लिक कर देंगे, टाइप ऑफ वन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद हम कोर्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाएगा। नमस्ते चाची, आप कैसी हैं? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ। तुम शहर से कब आए? बस इस बार तो तुम पूरे एक के लिए कंप्यूटर लाए। तब यहाँ से आप स्टूडेंट कोई भी वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं बीसीसी का पूरा कोर्स, आप इस वीडियो में कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो वॉच कर लिए, इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है आपको। फिर दूसरा जो भी आपको कोर्स करना है, फिर यहाँ पे जो भी पढ़ना है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे। इसका फिर जैसे वीडियो प्ले हो रहा था वैसे वीडियो प्ले होगा, ऐसे आप पूरा बीसीसी का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप असाइनमेंट पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको 200 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद आप पास हो जाएंगे। पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो यहाँ पे दिया है बीसीसी एग्जाम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे असाइनमेंट 8 है, 8 हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ ग्रेड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सीएससी एकेडमी लिखा है, यहाँ पे देखिए सीएससी एकेडमी लिखा है, सीएससी ऑफ, यहाँ पे देखिए बीसीसी का सर्टिफिकेट आ गया। यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट है उसका नाम लिखा रहेगा, इसके बाद उसके पिता का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट योर बीसीसी कोर्स ट्रेनिंग और फिर सीएससी एकेडमी, यहाँ पे वेरीफाइडर का नाम दिया गया है जो मतलब जिस बीएलडी से आप पढ़े हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ अथराइज्ड हुआ है सीएससी एकेडमी का, यहाँ पे साइन किया गया है। इसके बाद प्लेस क्या है, जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली यहाँ दिया गया है जहाँ से एग्जाम आपको हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे जिस दिन आप पास किए होंगे उसका यहाँ पे डेट दिया रहेगा। तो ऐसे आप बीसीसी कोर्स कर सकते हैं जैसे के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।